वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक की सीट। प्लास्टिक की जो सीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए, तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष। लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ जाएगी, और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है नहीं गलती है उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50 से 60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले जहाँ तक ध्यान रखें।